स्टडीज कोर्स तो इंडिया में ये कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किया जाता है, लाइक टिस में जो मुंबई कैंपस में भी और हैदराबाद कैंपस में भी है, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी मंडी में, आईआईटी हैदराबाद में, एनआईटी राउरकेला, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, एपीयू एंड अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली और मेनी अदर्स इंस्टीट्यूशन. सो आई हैव मेंशनड दीज फ्यू नेम्स ओनली बिकॉज दीज आर द वन विद वेयर यू कैन एक्सपेक्ट प्लेसमेंट्स और लिटिल प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज. एंड अदर कॉलेजेस आर इधर लेस फेमस और इधर और देयर प्लेसमेंट स्ट्रक्चर आर नॉट वेरी क्लियर टू अस. सो आई हैव मेड माई मेड अ कम्बाइंड स्लाइड फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स बिकॉज बेसिक एसेंस ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम्स आर सेम, बट यू कैन फाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेज, मतलब पर्सनल पर्सनलाइज डिफरेंसेज एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. जैसे टेस्ट में आप थोड़ा रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हो, आईआईटी गुवाहाटी में भी प्रैक्टिस और आईआईटी मंडी में हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट पे यहाँ पे ज़्यादा काम होता है बिकॉज दिस मतलब दिस प्रोग्राम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस एज वेल एज रिसर्च. तो बेसिकली दिस इज द कल्चर विच यूनिवर्सिटी शुड फॉलो, कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं दे शुड ऑल्सो डेवलप में दे शुड ऑल्सो प्रैक्टिस वॉट दे टीच. इफ दे विल नॉट प्रैक्टिस वॉट दे टीच तो उनकी टीचिंग और इंडस्ट्री एप्लीकेशन में बहुत फर्क होगा. तो तुम देखोगे जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं ना, लाइक MBA या फिर कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम या इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया. मेडिकल तो यू कैन जस्ट सी कि मेडिकल कॉलेज ही तभी खुलता है जब देयर इज अ हॉस्पिटल इन इट. बिना हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज यू कैन नॉट ये कंसेप्चुलाइज. तो द टीचर द प्रोफेसर्स द डिपार्टमेंट मस्ट प्रैक्टिस व्हाट दे टीच. एंड सेम स्टैंड्स हियर फॉर एमए डेवलपमेंट स्टडीज. द यूनिवर्सिटी शुड प्रैक्टिस डेवलपमेंट ऑल्सो. तो ये अपने रीजन्स में अपने लोकलाइज रीजन्स पे भी अपने थ्योरीज को अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट करते हैं एंड दे प्रैक्टिस व्हाट दे टीच. ये बात समझ में आ गई? तो जस्ट रिमेम्बर द पॉइंट कि क्यों कुछ कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, बिकॉज दे प्रैक्टिस व्हाट दे टीच. ठीक है, तो तुम टेस्ट के लिए आईआईटी के लिए ये स्टेटमेंट बोल सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट और मोस्ट रिसेंटली मतलब डेवलपमेंट वर्ड इटसेल्फ इज नॉट एनफ, सो वी मस्ट नीड टू ऐड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल वर्ड टू इट. सो बेसिकली देर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू डिफाइन डेवलपमेंट, बट द पॉइंट इज कि विच डिफिनेशन वी शुड टेक, बिकॉज फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट और द होरिजन ऑफ डेवलपमेंट विच ही इज इंटरेस्टेड इन, तो वो उसी हिसाब से डिफाइन करेगा. जैसे इफ समबडी इज लुकिंग और सीइंग डेवलपमेंट इन ऑल इकोनॉमिक रिस्पेक्ट, तो उसके लिए डेवलपमेंट की डिफिनेशन जो होगी वो इकोनॉमिक डिफिनेशंस में और इकोनॉमिक बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा. इफ समबडी इज लुकिंग डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ सोशल एस्पेक्ट, तो सोशल एस्पेक्ट को टच करता हुआ अपने डिफिनेशंस को क्रिएट करेगा. तो एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट व्यू, डिफरेंट अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग डेवलपमेंट. सो बेसिकली द थिंग इज कि ऑफकोर्स एनीबडी कैन हैव अ वेरी नैरो अप्रोच ऑल्सो, बट इंक्लूसिविटी इज वॉट वी डिजायर टू डिफाइन डेवलपमेंट. तो इंक्लूसिव क्या होना चाहिए? तो चलो ठीक है, आपने बोला कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और फिर इसके बाद हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए, एंड देन वी ऑल्सो मस्ट एड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अराउंड अस. तो ये इतनी सारी इंक्लूसिविटी के फैक्टर्स होते हैं एंड वी ऑल्सो नीड टू एड सस्टेनेबल इन इट, बिकॉज वी मस्ट नॉट कंज्यूम ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेज फॉर अ वेरी नियर फ्यूचर गोल्स. ठीक है, तो वी मस्ट सेव आवर रिसोर्सेज फॉर अपकमिंग एजेस. सो बेसिकली ऑल ह्यूमंस एंड सोसाइटी सोशल नीड्स टू नीड टू बी कवर्ड. तो यहाँ हम बोलते हैं जैसे ज़्यादातर डेवलपमेंट में हम पहले तो एजुकेशन, लाइफस्टाइल और लाइवलीहुड पे ही ज़्यादा बातें करते हैं, बट बेसिकली इट शुड कवर एवरीथिंग अराउंड अस. सो वन मोर पॉइंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट हियर, द डेवलपमेंट इज बेसिकली वेरी इल्यूसिव एंड देर इज नो
फाइनल गोल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे आप देखोगे कि जैसे मान लो कि मतलब देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट और फर्दर डेवलपमेंट। तो आप जैसे किसी सोसाइटी के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो कि पॉवर्टी है, एजुकेशन है ना, लिटरेसी है, तो इन सब पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, लेट्स से यू हैव अचीव्ड सम गोल्स इन दीज, सो देन यू विल हैव अदर गोल्स फॉर डेवलपमेंट। So it is not a process which will end somewhere when you achieve the development goal. So development is very cyclic. And every time when you achieve some goal, there will be new goals to be achieved. And in fact, with coming technologies or dynamic nature of society brings us many other aspects of development. So modern problems bhi kai sari developed hote jaati hain. When jab hum purane problems ko solve kar rahe hote hain, purane development goals ko achieve kar rahe hote hain, and in the meantime we get modern problems also. So tum dekhoge ki aaj se kai saal pehle tak, 10 saal pehle tak, 5 saal pehle tak technology addiction ya phir technology related psychological disorder ka koi wo nahi tha, aspect nahi tha society mein, but these days these are very much important aspect of our matlab learning or societal aspect mein ye bahut zyada connect karta hai, theek hai. To environment aspect also need to include. और इसका एक एग्जांपल तुम देखोगे जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, दे हैव क्रिएटेड टू प्रोग्राम्स, एक तो डेवलपमेंट स्टडीज की प्रोग्राम है ही, एंड दे हैव आल्सो क्रिएटेड अ प्रोग्राम, इकोनॉमी वर्ड नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो उनका एक पीजी प्रोग्राम जो है जो इनको इंटीग्रेट करके भी बनाया गया है, दिस इज द मतलब मोस्ट यूनिक प्रोग्राम आई हैव एवर सीन इन इंडियन एजुकेशन पैनोरमा। सो this is also a very good course. So they have tried to integrate development and environment together. So environmental aspects, or in fact aapke bhi program mein jahan pe sirf DAs hai wahan pe bhi hum environmental aspect ko ignore nahi karte hain, we must study the environment or the impact of development on environment or the support that we get for development from environment. So now the question is why there is a need of postgraduate program. Ek ye slide itna important nahi hai, but since you are going for a PG program, so you must know ki why there was no undergraduate program for development. Kyunki aap log kai sare courses se belong karte ho, jaise kisi ki psychology hai, koi anthropology padha hai, koi economics padha hai, and aapko political science padha hai, to all these subjects has a unique role in this particular development sector. इन फैक्ट मतलब आप टेक्नोलॉजी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो बेसिकली डेवलपमेंट स्टडीज डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कोर्स, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, एंड लाइक ऑल अदर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम दिस कोर्स इज सूटेड ओनली फॉर पीपल हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन, बिकॉज ग्रेजुएशन करते करते तक में आपकी एक समझ ऐसी डेवलप हो जाती है so that you can relate things, and do different subject ki cheezon ko aap relate kar sakte ho, and it has a very matlab qualitative and quantitative natures ka hota hai. Jaise I'll tell you, there are studies which are matlab mean to finding correlation between qualitative and quantitative variables. Jaise agar hum bolte hain petrol price badhne pe logo ke happiness pe kya impact padta hai, to ye sab cheeze bhi hum isme study karte hain. So all these things require a certain level of IQ and EQ which only you develop when you are a graduate, or at least graduate level ke skills ko agar aap develop kar lete ho tabhi aap isko samajh pate ho. So that's why this is matlab basically we study development studies as a PG program only, and it covers that I have told you already, it covers the entire range of social science based subjects and maths and environment which includes science also. So matlab in this 2 year of program you will not only be learning research but you will be also learning practice. So and in fact policy is also a important factor that you need to learn here, because you were going to intervene and at very different level also. So the scope and the range of the studies is very high. That's why we need a certain level of your maturity to pass all the content or all the skills to you. So it is a why it is a matlab postgraduate program.
So now let's say what is the course content of this particular course of DS. So तुम देखोगे कि basically इस course को content को हम तीन level पे देख सकते हैं. एक तो background develop करना आपके लिए DS का, फिर आपको पढ़ते हो challenges and other aspects, और last में आप पढ़ते हो interventions. तो background में हमें क्या क्या समझने की जरूरत है, हमें सोसाइटी समझने की जरूरत है, कल्चर समझने की जरूरत है, नेशन मतलब नेशन एज एन स्टेट, सॉवरनिटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है ना, एंड एंड हाउ डू वी मेक पॉलिसीज, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड आई हैव रिटन द सेम पॉइंट अगेन, गवर्नमेंट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट और बैंक्स विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट. जो इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कास्ट है हमारा, रिलीजन बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फैमिली है, दिज आर नॉट फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन, बट अगेन एवरीबॉडी बिलोंग्स टू दीज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. तो जैसे अगर आप किसी स्टेट के वो सिटीजन हो, तो एट द सेम टाइम यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एंड यू आर पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप और कल्चरल ग्रुप. तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके आप पार्ट्स होते हो, एंड दे ऑल हैव इक्वल इम्पैक्ट ऑन यू द एज मतलब एज द स्टेट हैज. सो ये आपको फिर आपको समझना होगा. नेक्स्ट आपके स्टडी में होगा प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट. इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक और प्रोडक्टिविटी की स्टडी है कि हाउ डू वी अर्न मनी, हाउ डू वी गेट व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी नीड टू ऑफर, है ना, ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं. तो इन सब चीजों को आप पढ़ोगे. फिर हम पढ़ते हैं ग्रोथ पैरामीटर्स क्या होते हैं. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बेसिकली जनरली हम ग्रोथ पैरामीटर्स को हम समझते हैं जीडीपी, या फिर पर कैपिटा इनकम, या फिर आपका सीपीआई, होप डब्ल्यूपीआई, एफडीआई, या ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हम जानते हैं. बट हाउ ऑल दीज पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ. फॉरेक्स रिजर्व हो गया, बीओपी हो गया, देर आर न्यूमरस टर्म्स, गिनी कॉफिशेंट हो गया, एंड देर आर न्यूमरिक पैरामीटर, एचडीआई हो गया, विच बेसिकली समहाउ रिलेटेड टू द कंट्रीज और स्टेट और पीपुल्स ग्रोथ. सो हाउ दीज पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड वी वर्क फॉर वॉट टू इम्पैक्ट ऑन वॉट. ये चीज भी आपको समझना होगा कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, क्या स्टेप लेनी होगी, सो वी कैन गेट एनी सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑन दीज पैरामीटर्स. तो ग्रोथ पैरामीटर्स की स्टडी करोगे. एंड एंड ऑल्सो वी विल बी लर्निंग ऑन थ्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस और डेवलपमेंट गोल्स, विच इज ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल पैरामीटर्स पे. ठीक है, तो जैसे ये सब जो पैरामीटर्स थे वो बेसिकली नेशनल लेवल के पैरामीटर्स थे, ग्लोबल लेवल पे पैरामीटर्स अलग होंगे और लोकल लेवल पे अलग होंगे. तो कई बार तो आपको बनाना भी पड़ेगा पैरामीटर्स अपने हिसाब से, कि आई क्रिएट अ स्कोर और आई वर्क ओवर दीज स्कोर्स. तो जैसे एचडीआई के स्कोर क्रिएट किया गया, तो एचडीआई को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन में, पर कैपिटा इनकम में, एंड हेल्थ पे हम काम करते हैं. तो सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ ग्रोथ पैरामीटर और ग्रोथ इंडेक्स बेस्ड ऑन वॉट एवर द फैक्टर्स विच इज इम्पॉर्टेंट इन द लोकेलिटी वेयर यू आर वर्किंग. सो बैकग्राउंड के बाद चैलेंजेस. अब चैलेंजेस वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट हियर, बिकॉज आप क्लासेस में कितनी बार पढ़ते हो, हमारी चैलेंजेस कई सारी हैं. पॉवर्टी है, सोशल बैरियर्स हैं, चिल्ड्रेन है. चिल्ड्रेन के बारे में मतलब लिखना बार बार इसलिए जरूरी है कि इट्स नॉट अबाउट देयर राइट्स ऑफ एजुकेशन एंड एवरीथिंग. इवन दो चिल्ड्रन हु आर हैविंग ऑल दोज राइट्स, मतलब अगर आप एजुकेशन दे भी रहे हो 10 ईयर्स की, तो इज इट प्रोडक्टिव इनफ फॉर देयर लाइफ, एंड आर दे गेटिंग इनफ रिटर्न ऑन द 10 ईयर दैट दे हैव इन्वेस्टेड ऑन फॉर द एजुकेशन. तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वुमेन रिलेटेड इशूज हैं, लाइवलीहुड के इशूज हैं, रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, हारमोनी मतलब ह्यूमन हारमोनी है, हेल्थ है, एंड देयर आर मॉडर्न इशूज ऑल्सो विच आर कमिंग डे बाई डे बाई द डायनेमिक नेचर ऑफ वॉट वी हैव एज एन आवर सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ. सो अगर जैसे तुम अभी देखोगे कि कोरोना आया, तो इट ब्रॉट मेनी न्यू इशूज इन आवर हैंड, विच बेसिकली एग्जेजरेटेड बाई द कोविड 19 सिचुएशन.
देर विल बी फाइंड यू विल बी फाइंडिंग न्यू सिचुएशंस आल्सो दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. फिर आपका कोर्स कंटेंट जो होगा वो इंटरवेंशन बेस्ड पे होगा. और इंटरवेंशन के लिए आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल हियर. मतलब आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर बार इंटरवेंशन जो है वो पॉलिसी लेवल पे करना है. सो बेसिकली आप तुम देखोगे कि इंटरवेंशन जो है मल्टीपल साइट्स एंड स्केल्स पे किया जा सकता है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल पे, इन द शेप एंड फॉर्म ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम, मूवमेंट्स, कैंपेन, इंस्टीट्यूशन, मॉडल बिल्डिंग, ये सब चीज़ों पे. बट ये तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इंटरवेंशन हो गया. आई हैव बेसिकली कैटेगराइज्ड इन एट थ्री लेवल. अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इंडक्शंस, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ फॉर स्टेट लेवल. आपने सुना होगा कि स्टेट जो है किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उसका ट्रेड बैरियर खत्म करती है, या SEZ डेवलप करती हैं, या फिर कॉरिडोर्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाती है ना, वाटरवेज बना रही है. तो ये सब जो है इंडक्शन, ग्रोथ के इंडक्शन है. मतलब अगर आप वाटरवेज बनाओगे तो वो कई लेवल पे ग्रोथ को इंड्यूस करेगा, है ना. आप बुलेट ट्रेन की ट्रैक बनाओगे तो वो ग्रोथ को इंड्यूस करेगा. आप अगर हाईवे बनाते हो, एक कॉरिडोर बनाते हो, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ ग्रोथ, मतलब कैटलाइज करेगा ग्रोथ को. तो ऐसे लेवल पे जो हम डिसीजंस बनाते हैं दे आर कॉल्ड नेशनल लेवल. मतलब दे आर नॉट कॉल्ड, मतलब दे आर ऑन द स्केल ऑफ नेशन बिल्डिंग. नेशनल और स्टेट लेवल पे ये होता है. और इनके मॉडल ऑफ ग्रोथ भी अलग अलग हो सकते हैं. समहाउ इट विल बी मोर बॉटम एंड बेनिफिशियल और बेनिवेलेंट, और समटाइम इट विल बी मिड एंड बेनिफिशियल, और समटाइम इट कैन बी अपर एंड बेनिवेलेंट. मतलब मिड, बॉटम एंड, अपर एंड का मतलब इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए पॉलिसी बन सकती है, मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन के लिए बन सकती है, और लोअर क्लास के लिए भी पॉलिसीज बन सकती हैं. तो ये सब ग्रोथ के पॉलिसीज जो होते हैं दिस वर्क्स फॉर द नेशनल लेवल इंटरवेंशन. तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, या गवर्नमेंट जैसे इम्पावर्ड स्टेक होल्डर में आपकी जॉब है. तो इस लेवल पे आप वहाँ पे आप इंटरवीन कर सकते हो. लोकल लेवल पे क्या होता है, अगर आप यू आर वर्किंग फॉर एनजीओ और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज दे आर वर्किंग अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्मॉल एरिया लेवल पे, अगर आप कोई काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो इंटरवेंशंस होते हैं उसमें हम बेसिकली मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी को, बिहेवियरल चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब छोटे लेवल पे ही, बट वी टॉक अबाउट इंटायर मास और पॉपुलेशन, और वहाँ पे उनकी लोकल नीड को एनालाइज करके उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं. तो ये लोकल लेवल इंटरवेंशन है, ये भी हमें कोर्स में सीखना होगा. एंड फिर इंडिविजुअल लेवल, हाउ एज एन इंडिविजुअल यू कैन चेंज और यू कैन ब्रिंग डेवलपमेंट फॉर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और एनी थिंग. मतलब यू कैन, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप ऐसा नहीं है कि यू कैन यू विल वर्क यू विल बी वर्किंग फॉर इंटायर स्टेट और प्लेस और लोकेशन. यू कैन जस्ट गो स्ट्राटा वाइज. मतलब आप एक लेवल पे भी काम कर सकते हो, टाइप ऑफ लोगों के लिए भी काम कर सकते हो. तो बेसिकली इसमें जो अथॉरिटी, मतलब आप अपने लेवल पे यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज, एंड यू क्रिएट एन आइडिया विच सॉल्व एनी पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम, एंड ट्राई टू इंड्यूस और कैटलाइज और ब्रिंग डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे आप उसको काम कर रहे हो. ठीक है, तो ये इंटरवेंशंस के अप्रोचेस हो गए तीन लेवल पे. एंड उसके बाद ऑल्सो प्रैक्टिस का तो मैंने बता दिया, बट रिसर्च एंड पॉलिसी दीज आर ऑल्सो टू मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर वो. एंड हाउ डू यू गेट जॉब एंड हाउ वेयर डू यू गेट जॉब, तो तुम देखोगे कि वी आई हैव कलेक्टेड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट वेबसाइट, टेस्ट के डीएस का और अजीम प्रेम जी का. आई विल जस्ट रीड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. द टिपिकल डेवलपमेंट स्टडीज स्टूडेंट इज वेल इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेवलपमेंट, एकोमोडेटिंग विद इन हर लेंस हर हिज लेंस अ वाइड रेंज ऑफ सोशियो कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव थ्रू अ सिस्टमेटिक एंगेजमेंट विद वेरियस मेथडोलॉजीज एंड अप्रोचेस. The program inculcates skills which enables one to tackle the issues head on without losing sight of a bigger picture. ठीक है, तो ये आप समझ गए. ये मतलब this looks very simple, but it is very difficult to be at this level where you can basically execute what they are telling you. तो ये 2 साल का आपका बहुत मेहनत वाला टाइम रहेगा. ठीक है, to be here and to be this person which they are trying to make you. So
after successful completion of the program, you can look forward a variety of roles such as program associate, managers, domain specialists, researchers, and other exciting roles in organizations working in the domain of livelihood, sustainability, public health, social entrepreneurship, financial inclusion, advocacy, etc. Although ये आपको placement के लिए बात की जा रही है, of course placement में you cannot directly go to a policy making role, but these are the roles where you can expect job. And further with all other experiences and other research or other studies, है ना, आप अपने role को और अपनी authority को enlarge कर सकते हो as a policy maker. So this is done with what we I wanted to make you